हरे कृष्णा राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो राधा अष्टमी पे हमने यहाँ पे बंदरवार लगाया था क्योंकि हमारा राधा रानी के प्रकट दिवस है। तो ये नहीं हो सकता कि मैंने बंदरवार ना लगाऊं। तो हल्दी कुमकुम से यहाँ पे तिलक लगा के और यहाँ पे मैंने बंदरवार लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है मेन गेट पे दीपक जलाया राधा श्री राधा रानी की प्रकट के लिए। और यहाँ पे जोत जल रही है तो काफ़ी देर तक जलती रहेगी। उसके बाद सारे ड्रेसेस वगैरह ज्वेलरी सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया, नई टॉवल भी रख दिया और यहाँ पे थाल सजा दिया है। मैंने राधा 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 लिखा है यहाँ पे। 5 चीज़ दही दूध शहद घी और चीनी का पानी घोल करके सब कुछ तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैंने राधा रानी को यहाँ पे पुष्प में से एकदम बाहर निकाला और उसके बाद राधा रानी के जन्म हो गई। तो मैंने घंटी उंटी बजाया, तालियां बजाया, मन मन ही मैंने जो है श्री राधा राधा मंत्र की जाप करते रही और बहुत अच्छा लगा। और जब राधा रानी मेरे हाथों में आई ना तो बहुत फील अच्छा हुआ और बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो इस तरीके से तो अब हम अभिषेक करते हैं श्री राधा रानी की। तो यहाँ पे चलिए अब अभिषेक की तैयारी सब कुछ मैंने कर लिया था। तो उसके बाद जो है राधा रानी की आज की प्रकट दिवस है तो राधा रानी के तो जोर शोर से सब कुछ स्वागत होनी चाहिए। तो यहाँ पे थाल सजा लिया था, राधा राधा लिखा हुआ था मैंने। सबसे प्रथम राधा रानी के चरण से हम अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पे दूध से सबसे प्रथम मैं अभिषेक कर रही हूँ और राधा रानी के 5 चीज़ों से अभिषेक जरूर महत्वपूर्ण है, करना चाहिए। इन दिनों पर जन्माष्टमी हो गया, राधा अष्टमी हो गया, तो 5 चीज़ों से अभिषेक जरूर होना चाहिए। तो सबसे प्रथम दूध से किया, उसके बाद दही से किया। तो इस तरीके से शहद चीनी चीनी को बुरादा और शुद्ध जल इसी तरीके से सब कुछ करना चाहिए दही वगैरह से। तो ये चीज़ शुद्ध माना जाता है, सब कुछ ईश्वर की आप इस तरीके से करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा जो है एकदम उसमें आ जाते हैं। जो जो पूजा पाठ करते हैं तब तब उसमें हर देवी देवता हर ईश्वर में उसमें प्राण प्रकट हो जाती है। तो इस तरीके से ज़रूर से करना चाहिए, एक भाव है। अगर आपके पास नहीं है कोई चीज़ उपलब्ध, जो चीज़ है उस चीज़ से ही भाव से ही प्रेम से श्रद्धा से आप कीजिएगा तो ईश्वर अवश्य ही स्वीकार करते हैं। ये नहीं है कि ईश्वर स्वीकार नहीं करते। अगर हम 56 भोग खिला दे, ईश्वर के कोई पसंद मन तन मन दिल से ना करे तो ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसके बाद सब प्रथम अभिषेक होने के बाद पोशाक धारण करा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा आरती कर रही हूँ, कलश स्थापना मैंने कर चुकी थी। सबसे प्रथम मैंने गजानन जी के गणेश जी की पूजा किया था, आह्वान किया था। तो सबसे प्रथम उनकी पूजा होती है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं पूजा की तरह। तो उसके बाद पूजा होने के बाद यहाँ पे श्री जी के मैंने आरती किया, भजन गाया, सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देखी सबसे प्रथम जो है यहाँ पे कलश की स्थापना किए हैं, उनके दर्शन कर लीजिए। राधा रानी के चरणों में कमल पुष्प अर्पित किया है मैंने। यहाँ पर पूजा हो चुकी है और यहाँ पे सारे देवी देवता मेरी माई सब कुछ विराजमान है। और खाने में बनाया था अरबी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, पूरी कढ़ी बनाई थी मैंने। तो ईश्वर मुझसे जितना करवाया उतना मैंने किया श्री जी के लिए। तो सबसे प्रथम यहाँ पे हम भोग लगाएंगे। तो भोग लगने के बाद गाइज आप सबकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे श्री कृष्ण।